मैं बताता हूँ कि तड़प तड़प के तो कभी कभी लगता है कि पता नहीं मैंने कितनों को शराबी बना दिया, कितनों को रुला दिया, क्या कर दिया। तो मैं सोचता हूँ खुदा मैंने गुनाह किया है क्या, क्या मुझे समझ में नहीं आता। मुझे ऐसा नहीं, फोन आते थे जमाने में, सर क्या करूं, परसों एक ऐसा धक्का लगा दिल को, मैंने जाम लिया, बोतल खोली और बस ये गाना लगाया, पूरी रात सुनते बैठा। बस मैं बोला भाई मेरा क्या कसूर है। मेरे साथ है महबूब साहब। महबूब साहब नमस्कार, आदाब, कैसे हैं आप? नमस्ते, आदाब, सलाम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। मैं अच्छा हूँ। हम दिल दे चुके सनम में आपने पहली बार इस्माइल दरबार जी के साथ काम किया था, हाँ तो ये एक्सपीरियंस कैसा था? इसमें भी गाने जैसे हर एक रेंज के, हर तरीके के गाने इसमें। हाँ इसमें भी थे, इसमें पहले मैंने लिरिक्स लिखे, उसके बाद कंपोज हुए गाने जी अच्छा, इसमें। हाँ इसमें ये पूरा एल्बम मैं समझता हूँ, सिवाय एक दो गानों के, नहीं बल्कि वो भी एक दो गानों के साथ मेरे लिरिक्स के ऊपर ही थे सारे, एवरी सॉन्ग वाज ऑन माय लिरिक्स। तो या ऑन इन दैट फिल्म आई वर्क्ड ऑन द लिरिक्स फर्स्ट, उसके बाद उसकी कंपोजिशन हुई है। और इसमें भी मैं, टू बी ऑनेस्ट, मैं इसमें अपना फेवरेट एक ऐसा नहीं निकाल सकता, आंखों की गुस्ताखियां हैं, झोंका हवा का आज भी, ये एक बहुत ही अंडर अप्रिशिएटेड सॉन्ग है। बहुत बहुत ही इसमें, खास करके इसका जो पहला अंतरा आता है, जी ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन तड़प तड़प के इस दिल इज वन सॉन्ग जो कि यूथ के साथ आज भी रहा है, मतलब आज भी रहा है माने और रहेगा मेरे हिसाब से, टिल ये जो अपना दिल टूटेगा जब भी किसी का, तो ये गाना एक आता है सर, ये आपने कैसे काम किया? मैं बताता हूँ कि तड़प तड़प के तो कभी कभी लगता है कि पता नहीं मैंने कितनों को शराबी बना दिया, कितनों को रुला दिया, क्या कर दिया। तो मैं सोचता हूँ खुदा मैंने गुनाह किया है क्या, क्या मुझे समझ में नहीं आता। मुझे ऐसा नहीं, फोन आते थे जमाने में, सर क्या करूं, परसों एक ऐसा धक्का लगा दिल को, मैंने जाम लिया, बोतल खोली और बस ये गाना लगाया, पूरी रात सुनते बैठा। बस मैं बोला भाई मेरा क्या कसूर है। मैं तो अच्छा तड़प तड़प के, मैं आपको बताऊँ असल में तड़प तड़प की एक छोटी सी इसकी इसका इतिहास बताऊंगा। तड़प तड़प इस फिल्म के लिए नहीं था बेसिकली। तड़प तड़प हम कर रहे थे, एक मुकुल आनंद डायरेक्टर हुआ करते थे, इफ इफ यू जी रिमेम्बर, इफ यू बिल्कुल, नो। तो मुकुल आनंद एक साहब की बार एक फिल्म नाम आनी मानी थी, थी। हाँ मुकुल आनंद साहब की एक फिल्म आनी थी जिसका टाइटल था 10, नॉट ये 10 जो बनी, ये 10 नहीं थी सुनो वो, गौर से दुनिया वालों, हाँ वो 10 नहीं थी, ये नहीं, ये फिल्म, ये कहानी भी नहीं थी, अच्छा वो कहानी ये, कुछ और थी। ओके हाँ ओके वो कहानी कुछ और थी, और मुकुल जी ने मुझे बुला के बोला कि महबूब मैं इसमें दिलीप साहब को कास्ट कर रहा हूँ एज अ कव्वाल, सूफी कव्वाल, और संजय दत्त तो सलमान खान उनके बेटे रहेंगे, तो मुझे एक अच्छा सूफी कव्वाल ही दे दो। तो हमने ये गाना उस फिल्म के लिए बनाया। फिर अच्छा मुकुल आनंद जी चल बस ये गाना ऐसे ही रह गया। ये पूरा का तो पूरा फिर गाना हम लिख चुके थे आप तब? ये पूरा गाना लिख चुके थे आप तब? हाँ मैं मेरे लिरिक्स पे बनाए, कंपोज हुआ ये गाना जी। जी। तो फिर जब वो फिल्म, मुकुल आनंद जी का इंतकाल हो गया, वो चले गए दुनिया में, फिर दुनिया से फिर गाना हमारे पास ही था, पर जब हम दिल चुके सनम मिली हमको, तो सॉरी, तो हमने संजय को ये गाना सुना, तो उसको बिल्कुल पसंद आ गया। उसने कहा यार ये तो मेरी फिल्म का बिगिनिंग, मिडिल और एंड दोनों पता दे रहा है मुझे, तो आई लव दिस सॉन्ग। तो हमने वो गाना उनको दिया। ऐसा ये मुकुल साहब की स्टोरी थी। तो उन्होंने उन्होंने तो कहा था कि एक कव्वाली दो मुझे जो दिलीप साहब गाएंगे, तो सूफी कव्वाली की डिमांड की थी। तो सूफी होता क्या, वो तो इश्क ही होता है ना। तो जैसा आप गाना शुरू होने के पहले जो शेर लिखा मैंने कि बेजान दिल को तेरे इश्क ने जिंदा किया, फिर इसी इश्क ने इस दिल को तबाह किया, तो एक मैंने सूफियाना अंदाज उसमें अख्तियार किया था मैंने कि तड़प तड़प के इस दिल से आ निकलती रही, मुझको सजा भी प्यार की ऐसा किया। तो इस तरह से वो, तो मैंने, मेरी इंस्पिरेशन खुदा थी एक्चुअली, इश्क खुदाबंदी थी, सूफियाना अंदाज था, ये वो था इसमें। इसलिए द सेकेंड अंतर आप, तो हमने जब संजय को सुनाया था तो पहला अंतर ही तैयार था मेरे पास, मैंने सेकेंड अंतरे पे वर्क नहीं किया था। जब संजय ने गाना फाइनल किया बोला मैं भाई अभी सेकेंड अंतरा भी लिखो, तो मैं जब ऐसे में खड़ा अपनी खिड़की में गैलरी में जाकर ऊपर देखा, और फिर वो लाइन निकली कि अगर मिले खुदा तो पूछूंगा खुदा जिस मुझे देखे मिट्टी को, बहुत तो आ गया बस वक्त होता है निकल गई लाइन। हाँ के और मैं रहमान के यहाँ मिले हम दोनों,
और केके की मैंने आवाज सुनी, केके ने हमारा एक गाना गाया, मेरा और रहमान का तो रिलीज नहीं हो सका। तो जी केके जब वो गाना गा रहा था तो एआर ने कहा कि महबूब यार, मैं 10 साल में एक ऐसा सिंगर देख रहा हूँ जो इतनी पिच पे फीलिंग के साथ गाता है। फिर हम बिल्कुल दोनों होटल आ गए रात को, हम पूरी रात जाके, केके मुझे बिल्कुल एक बड़े भाई की इज्जत देता है आज भी, और उस वक्त भी उसने बोले महबूब भाई, मतलब हम दोनों इतने एक होता ना कार्तिक की, कभी हम क्लिक कर जाते हैं एक दूसरे से, सडनली जैसा कि सोलमेट बन जाते हैं, बिल्कुल से लगा हो जाता है। तो हम पूरी रात उसके रूम में बैठे, खाना वाना खाया, हम पूरी रात डिस्कशन अबाउट फिलोसफी, साइकोलॉजी, लिरिक्स, म्यूजिक, बड़ा डीप बंदा है वो भी। तो हम लोग दोनों की काफी जमी, सुबह मेरी फ्लाइट, मतलब क्या सोते हैं अभी सुबह निकल जाएंगे एयरपोर्ट पे, लेकिन उसकी आवाज मेरे कानों में रहेगी। तो मेरे को जब हम दिल दे चुके सनम का गाना था, मुझे ये सिचुएशन आई, तो मैंने सजेस्ट किया कि एक सिंगर है, मैं उसको मिलाता हूँ आपसे, वो ये गाना गाएगा। तो संदीप बोला कौन है, मैंने केके को बुला के खड़ा कर दिया, और जैसी केके ने गाया वो गाना, तो फिर आप जानते हो वो भी एक इतिहास बन चुका है। जबकि टाइटल सॉन्ग भी जो है, तो टाइटल सॉन्ग भी फिल्म के लिए नहीं था, हम मैंने एक दिन एक लिरिक्स लिखे, मैंने एक दिन म्यूजिक डायरेक्टर से कहा कि भाई तुम मुझसे हमेशा बोलते हो कि लिरिक्स दो, कभी ट्यून भी बनाओ, जी मेरे लिरिक्स पर क्या डिपेंड करते हो। अच्छा। तो उन्होंने ट्यून बनाई, ता 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 तारा तारा, मैंने लिखा हम दिल दे चुके सनम तेरे, ये गाना भी संजय को पसंद आ गया, तो फिर इसी पे से टाइटल मिला हम दिल दे चुके सनम। तो एक्चुअली मेरे लिरिक्स है जिन्होंने इस फिल्म को टाइटल भी दिया। ये कितनी बेहतरीन बात है, एंड ये एक्चुअली सही बात है, इस चीज के बारे में बहुत चर्चा होती है इस फिल्म की जब भी होती है, कि हम दिल दे चुके सनम, टाइटल से थोड़ा बहुत हमें स्टोरी समझ आ जाती है, शायद एंड भी समझ आ जाता है। लेकिन ये दोनों तरह तरीके से जाता है, हो सकता है ये सलमान के कैरेक्टर को भी ये चीज बोले हम दिल दे चुके सनम, या ये अजय के कैरेक्टर को बोले, अजय देवगन जी जो भी थे, जो भी मतलब दोनों कैरेक्टर्स थे उनके, सो इट गोज बोथ वेज। तो ये सस्पेंस रहता है एंड तक कि किस किसको बोलेगी ऐश्वर्या का कैरेक्टर, किसको ये चीज बोलेंगी। तो दैट इज अ ग्रेट थिंग। एंड सर मुझे ये दोनों गाने भी बहुत पसंद है, आंखों की गुस्ताखिया और चांद छुपा बादल में। चांद छुपा बादल में तो खैर पूरी तरीके से उस वो जो मेरे हिसाब से करवा चौथ की जो सिचुएशन है उसको बहुत अच्छी तरह से डिफाइन करता है। आंखों की चांद छुपा बादल में भी हमारा पुराना गाना है, हमने फिल्म के लिए नहीं बनाया था, उसको सुनाया संजय को, संजय को पसंद आया, संजय ने वो फिल्म गाना लिया। एक्चुअली चांद छुपा बादल भी हमारी जब हम गाने बना के रखते थे ऐसा कि डायरेक्टर को सुनाएंगे, तो ये उस वक्त का गाना है, तो पहले गाना बना हुआ था। ये होता ही यही एक्चुअली, हम जब म्यूजिक डायरेक्टर लिरिस्ट मिटते हैं, बैठ गाने बनाते हैं, सुनाते हैं, तो जो पसंद आया डायरेक्टर उसको लेता है। लेकिन झोंका हुआ का हमने सिचुएशन मिलने के बाद लिखा, आंखों की गुस्ताखियां भी पहले मैं लिख चुका था लिरिक्स, गाना नहीं बनाता, मैंने लिरिक्स लिखा था पहले। जी 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 नहीं पर इस फिल्म के लिए या फिर अलग से ही? नहीं नहीं ऐसे ही मैंने लिख के रखा था। ओ अच्छा। मैंने आंखों की गुस्ताखियां लिखा और वो नेक्स्ट डे संजय ने मुझे लंच पे बुलाया, मैं लंच पे गया और उनको सुनान को पसंद आ गया, उन्होंने बोला ये तो सिचुएशन है अपने पास, मुमरा डाल दो। आंखों की गुस्ताखी इज जस्ट अ लव सॉन्ग, जस्ट अनदर लव सॉन्ग, बट हाउ यू कम आउट विद द डिफरेंसेस, योर थॉट एंड योर वर्ड्स। वरना मैं भी कह सकता कि नींद खो गया, करार खो गया, लगता है मुझे प्यार हो गया, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, रह नहीं सकता ये जिंदगी जो भी है, लेकिन फिर आंखों की गुस्ताखियां माफ हो, एक तो तुम्हें, तो हाउ यू ब्रिंग सम चेंज। तो थोड़ा वो उसको कहते हैं कि जरा दिमाग को खोरचना पड़ता है आपको, तब जाके वो सब हो जाता है, और कभी कभी ऐसे ही बैठे बैठे भी आ जाती है लाइन। देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक चीज बताता हूँ आपको, सबसे बड़ा स्क्रीन प्ले राइटर ऊपर वाला है। जी 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 बिल्कुल मैं मानता हूँ। हम दिल दे के दे चुके सनम के 5 से 6 साल पहले हमने तड़प तड़प के बना के रखा था जी, फिर वो काम आया इधर, तो ऊपर वाला सब एडजस्ट करके रखा। हाँ काफी गाने हमने सेट पे बनाए, मतलब सिचुएशन में ढोली दारो ढोल बाजे वो इसके लिए था, ढील दे ढील दे दे रे भैया वो सिचुएशन पे लिखा मैंने, ऐश्वर्या का जो इंट्रोडक्शन सॉन्ग है वो सिचुएशन पे लिखा हमने, अच्छा चांद छुपा बदल के अंतरे हमने सिचुएशन पे लिखा। अच्छा। तो ऐसे नहीं कि ये नहीं हुआ, सब कुछ हम क्या थोड़ा बहुत बना के रखते हैं, फिर डायरेक्टर को पसंद है, हाँ अभी इसको अभी अब सिचुएशन इधर डल गई है, इस पर डेवलप कीजिए, फिर हम उस पर डेवलप करते हैं, उसको कंटिन्यू करते हैं आगे ले जाके। तो केकी और मेरी फिर ऐसी बोलते ना कहते ट्यूनिंग हो गई है, और दो आर्टिस्टों का मिलना बहुत जरूरी होता है, इनके दिल बोलो और दिमाग। तो केके ने पल सोचा, तो केके ने बोला भाई लिखेंगे गाना मेरे लिए, फिर हमने लेजली लेजली को लिया म्यूजिक, लेजली को म्यूजिक के लिए लिया।
एक अजीब सा फॉर्मेट मिला मुझे, क्योंकि लेर्स का एक अलग सा वेस्टर्न स्टाइल था थोड़ा। बड़ा मजा ये रहा कि आठ गाने, और आठ आठ गाने हमने एक गाना एक एक दिन में कंप्लीट किया। होल वीक हमने घर पे बहुत इंजॉय किया, हम खाना खाते थे दबा के। जब पल ट्यून आई ना, तो मुझे ट्यून बड़ी प्यारी लगी, तो मैंने कहा यार के मैं इसका आखिरी वर्ड से पहला वर्ड फिर मिलाऊंगा, हम रहे ना रहे कल, कल याद आएंगे पल। मैंने उसको सजेशन दे कि लेट अस मेक अ कॉन्सेप्ट फॉर एवरी सॉन्ग, एक कॉन्सेप्ट देते कि यार यारो दोस्त, ये हमारा यूथ टारगेट था इस एल्बम में भी, जो कि हुआ। आज भी लोग हम दिल पल गाता के तो ऐसे करते, या यारो गाते तो दे सिंग विद के